अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, तो मैं इसलिए हल्के हल्के बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, सिर्फ मम्मी और मैं ही जागे हुए हैं। मम्मी भी हैं, भाई लोग तो जा चुके हैं काम पर, इतना भी सुबह का टाइम नहीं हो रहा, भाई लोग जा चुके हैं काम पर और अम्मी भाई लोगों के रूम में बैठी हुई हैं। अम्मी ने पौधों वोधों को भी पानी दे दिया, तो मैंने बोला थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, सुबह सुबह के टाइम पे अच्छा लगता है थोड़ा, और शोर भी नहीं होता सुबह सुबह के टाइम पे ज़्यादा ना, वरना शाम में दोपहर में बहुत शोर होता है। तो जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो है आज हमारे यहाँ बनने वाली है बिरयानी, सबकी घर में फेवरेट होती है बिरयानी, तो आज हमारे यहाँ बनी थी बिरयानी। तो गाइस अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो आप ही ने बनाए हैं साग के पराठे, तो आज हम दोपहर में खाने वाले हैं साग के पराठे क्योंकि साग आई लाइक इट। तो अभी बना रही हैं नूर के लिए, फिर बनाएंगी मेरे लिए, और रूजा भी बना रही हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये बना रही हैं पराठे जल्दी जल्दी से, क्योंकि गैस जो है जाने वाली है, 2 बजे गैस चली जाएगी, फिर आएगी 6:30 बजे। हाँ फिर आएगी, देने लग गया है बिजली के साथ। हाँ और गैस का बिल भी ज़्यादा आने लग गया है, 1000 आया है हमारा बिल गैस का ना, 1000 आया है। और ये रहा साग, ये रहा पहला पराठा नूर के लिए, और अब मेरे लिए बनेगा इस साइड पे। और चाय भी हमने पहले से ही बना ली है दोपहर के लिए, क्योंकि ना अभी जाने वाली है गैस बिल्कुल ही। और आज हमारे यहाँ रात में बन रही है बिरयानी, तो बिरयानी के लिए देखे मैंने गोश्त को मेल्ट करने के लिए रख दिया है, चिकन बिरयानी बनेगी। सही है, चिकन बिरयानी हमारे घर में सबको पसंद है। हाँ बहुत पसंद है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नूर जो है ये सब कुछ निकाल के सफाइयाँ कर रही है। आज इसने बोला है मैं सारी एक एक चीज़ हटा के बिल्कुल जो है ना सब कुछ साफ करूँगी। तो देखें सब कुछ कैसे फैला हुआ है, सारी चेयरें जो है यहाँ से हटी हुई हैं। तो देखें इन्होंने फर्स्ट पराठा जो है तैयार कर लिया है गाइस। अब नूर तो अभी कर रही है सफाई, तो मैं खा लेती हूँ उसका पराठा, तो ये गरम गरम बनेगा तो मैं खा लूँगी। और वैसे तो मैं अभी व्लॉग भी मिक्स कर रही हूँ, तो व्लॉग में मिक्स करती रहूँगी और साथ में खाती भी रहूँगी। पहले रूजा भी जो है ना व्लॉग मिक्स करती थी, तो ना अब मैंने हाथ में ले लिया है, एक हफ्ता हो गया मैं ही। तो गाइज एक हफ्ता हो गया है व्लॉग मैं मिक्स करती हूँ, और आप लोग बताइएगा सही मिक्स करती हूँ या नहीं, और शॉर्ट भी आजकल मैं ही बना के छोड़ रही हूँ। तो अच्छी बना रही है वैसे तो, मैंने तो पास कर दिया है, मैंने बोला अच्छी बना रही है तो और अब तुम ही बनाना। और अभी देखें नूर के लिए पराठा हो रहा है रेडी, और अम्मी देख रही हैं व्लॉग। अब किसका देख रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ टाइम के अभी भाई बैठ के व्लॉग मिक्स कर रही थी, और यहाँ पराठे का इंतज़ार भी कर रही थी बने तो मैं खाऊँ, क्योंकि नूर अभी कर रही है सफाई। और हमारी दोनों बिल्लियाँ भी ना यहाँ हैं, ये चेयरों के बीच बीच में से छुप छुप के खेल रही हैं। और सूजी भी देखें ज़रा, छिछी पोटी देखें ज़रा, चेरी इंतज़ार कर रही है। और हमारी बिल्लियाँ जो हैं देखें बिल्कुल ट्रेन। तो गाइस अब बस मेरा पराठा भी जो है नॉर्मल हो गया है, तो मैं पहले पराठा खा लेती हूँ, तुम्हारा अभी बन रहा है, तुम पहले सफाई करो फिर मिलेगा खाने के लिए। और ये देख सकते हैं ये हेडफोन लगाई हुई है कानों में, और मोबाइल में कनेक्ट करके गाने सुन रही है, और क्या कहते हैं सफाई कर रही है। और चेरी को देखें, चेरी मेरे दुपट्टा ही पकड़ती रहती है बार बार, छोटी सी घोल होके बैठी है, चेरी मेरा दुपट्टा लेके भाग रही है। देखें लीली आ रही है कैमरे में, और देखें सूजी सलाम कर लो आज सबसे, नहीं कर रही ये लोग, मैं खा रही हूँ खाना। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ पराठा खा के, और हजम भी हो जाएगा फिर। और मिर्चें ज़्यादा थी ना साग में, हमने चटपटा इस बार बनाया था, तो मज़ेदार लग रहा था साग का पराठा। और इस साइड पे देख सकते हैं आप लोग गैस जा चुकी है, मैं अपना पराठा फिनिश करके आई हूँ, और इधर जो है ना गैस जा चुकी है, दिखाओ गैस जा चुकी है। और आखिर रोटियाँ जो है ना ये रोटी बन रही है बाहर वाली बिल्लियों के लिए ना। और इधर जो है रूजा भी देखें आप किचन क्लीन कर रही हैं,
और नूर नूर जो है देखें इस साइड पे, इसको ना अभी आवाज़ नहीं जा रही है क्योंकि इसने लगाया हुआ है हेडफोन। और इधर देखें क्या हो रहा है, हेडफोन लगा हुआ है कान में और यहाँ पे लग रहा है पोछा। और अभी मैं इसका मोबाइल छीन के ना भाग जाऊँ तो इसका कैसा होगा। अभी देखें इसको असल में जा रही है, सुनाई नहीं जा रही है तो इसको कुछ नहीं पता। अभी इसको लगाने दो ज़रा, ये फ़ौरन गाना ख़त्म होता है ये फ़ौरन फ़ौरन जो है ना जल्दी जल्दी से हटा के लगाती है। गाइस ये गाने सुन, गाइस ये देखें ये सुन रही थी गाने लगा के और लगा रही थी पोछा। हाँ लो लो लो, और ये देखें यहाँ तक आ गई छीनने के लिए मोबाइल। अम्मी को नहीं पता ये सुनती भी रहती है गाने और पोछा भी लगा रही है। तो गाइस अभी धो रही हैं ये दोपहर के बर्तन। कौन धो रहा है देखें, फेस दिखाना जी। अम्मी बोल रही है नमाज पढ़नी है, यासीन पढ़नी है, जल्दी जल्दी से पहले नमाज यासीन पढ़ लो क्योंकि हो चुकी हैं अजाने। अभी हम लोगों ने बिरयानी की तैयारी भी करनी है तो आप ये बर्तन धो लें यहाँ से समेट लें, सही है क्योंकि हमने तो खाया दोपहर का खाना तो देर से। अभी क्या कहते हैं ये जल्दी से मैंने मुर्गी भी धोनी है तो अम्मी बोली है पहले नमाज फिर यासीन पढ़ो और फिर धोना मुर्गी फिर करना बिरयानी की तैयारी स्टार्ट। तो मैं धोऊंगी मुर्गी और उरू जाके जल्दी जल्दी से प्याज काट लेंगी और नूर जो है वो आलू काट के देगी, हम उससे आलू कटवाएंगे आज। इधर से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, लेकिन हमने रोशनी के लिए खोला हुआ है क्योंकि हमारी लाइट जो है वो गई हुई है इस टाइम पर। और किचन का हाल कुछ इस तरीके से हो रहा है गाइस, इस साइड पे देखें आपने, हमने हल्की आंच पे पानी चढ़ाया हुआ है वजू के लिए, लेकिन देखिए पानी अभी तक जो है ज़रा सा भी गर्म नहीं हुआ है। और इस साइड पे जल्दी जल्दी से हम जल्दी से चाय पी लेते हैं फिर नमाज पढ़ते हैं। अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है सामने से और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। आप लोगों ने पीनी है तो आप भी आ सकते हैं चाय के, मज़े की लगती है सर्दियों में चाय, बड़ी यमी यमी सी। तो अभी अभी मुझे बताया तो अभी अभी जो है ना मुझे रूजा भी ने बताया ये वाली चाय इनकी थी और ये इस कप में जो है मेरी चाय थी देखी और मेरी चाय दोनों पी रहे हैं। गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने बिरयानी जो है चढ़ाना स्टार्ट कर दी है, तेल में मैंने पहले गरम मसाला पूरा भुना है और अब मैंने डाली है इसमें प्याज। और बिरयानी में जैसा कि आप लोगों को पता होगा मसाले को ज़्यादा भूनते नहीं है वरना सारा मसाला एंड में जो है ना ख़त्म हो जाता है, पूरा मिक्स होता है ना जब तो ख़त्म हो जाता है दिखता नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा ही हल्का सा इसको फ्राई करूँगी प्याज को और अभी मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया है सारा ख़त्म हो गया था, ये डब्बा जो है बिल्कुल हो गया है फुल अदरक लहसुन का। और ये देखें इधर मिली और इधर ब्लैकी और इधर लीली ये लोग भी बैठे हुए हैं, क्यों क्योंकि यहाँ जो है उरूजा भी चिकन कर रही है बिल्लियों का, सही है। और ये मैंने कचरा खिलाया हुआ है देखें प्याज लहसुन अदरक का, ये देखें माशाल्लाह से फुल हो गया है डब्बा, ये अचार का डब्बा है जो हमने इसमें अदरक लहसुन का डब्बा बना लिया है। बस अब मैं इसमें से जो है ना 3 स्पून जो है ना इसमें भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और फिर डालूंगी मैं टमाटर। अभी मैंने टमाटर को काटा नहीं है, टमाटर भी मुझे अभी इस बोल में जो है ना फुल भर के काटना है क्योंकि बिरयानी में जो है ज़्यादा चीज़ें डलती हैं गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो काट दो आलू काट दो दे देखो, ये दोनों भी बोल रहे हैं क्या हुकुम है मेरे आका, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, ये लग रहा है बचपना और ये बड़ा, ये बड़ा भी लेगी ये छोटा भी लेगी, लेकिन वो फीमेल है और ये मेल है मेरा कुकु आलू। अब जल्दी से तुम मुझे काट दो आलू। देखें गाइस मैंने अभी नूर को खड़ा किया है कि जल्दी जल्दी से देश की खंगाल है, उसमें मैंने गोश्त धोया था, अब इसमें काटेगी नूर आलू जल्दी जल्दी से इससे कटर से। चलो सही है जल्दी जल्दी, मीनी बोल रही है मैं भी कुछ काम करवा रही हूँ। आलू कितने बार काटे याद नहीं है कुछ, अपने लिए ही बस चिप्स बनाने के लिए काटे, बाकी घर में हेल्प करवाने के लिए नहीं काटे।
तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, लाइट जा चुकी है और जो है नून ने मुझे आलू भी जल्दी से छील के और काट के भी दे दी। इसमें डाले हैं, देखें टमाटर डाले थे काट के, उसको भूना थोड़ा, फिर अभी मैं इसे मसाले को मिक्स करूँगी, थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसके बाद डालूंगी मैं इसमें आलू और चिकन। अभी इसमें जो है अलग से मसाला भी डलेगा क्योंकि हमारे घर में खाते हैं सब तेल स्पाइसी चटपटा खाना। बिस्मिल्लाह, इसमें आलू सबसे पहले ये गया, इसमें गोश, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सालन को, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस मैंने इसमें एक चीज डालनी है, नींबू काट के, बस नींबू इसमें डालेंगे और इसको मैं चढ़ा दूंगी गलाने के लिए जल्दी जल्दी से, सबको लग रही है भूख कल की तरह। आज तो गैस में साथ दे दिए जल्दी से आ गई थी, तो बस ये नींबू भी थोड़े से डाले क्योंकि वो रुक जाते हैं, पसंद नहीं है नींबू में। और इसमें पानी बिल्कुल जो है ना छोटा वाला आधा गिलास डालेगा क्योंकि मुर्गी पानी छोड़ती है खुद से। मसाला बड़ा यम्मी से बना गाइस, भूख लग रही है मुझे बिरयानी को देख के ना, सबको भूख लगती है, अच्छे अच्छों को भी भूख लग जाती है जिन्हें नहीं लग रही होती है। तो गाइस इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं, आप ही ने चावल चुन के जल्दी जल्दी से भिगो दिए हैं और किचन भी देखें बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं हम लोग हाथ के हाथ ही। यम्मी सा और चटपटा सा ना बिरयानी का सालन हो गया है रेडी। और इधर चढ़ाया हुआ है देख के मैं पानी चावल बॉईल करने के लिए। तो गाइस अभी हो जाएगी बिरयानी रेडी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिस जिसने खाना है वो हमारे घर आ सकता है, इजाज़त सबको। तो गाइस इस साइड पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत यम्मी सी बिरयानी जो है रेडी हो गई है और सबके पेट में जो है ना चूहे दौड़ रहे हैं बहुत, और बोल रहे हैं बस खाना दे दो दे दो दे दो, पर बहुत गरम गरम हो रही है। अभी आप इन्हें मिक्स किए हैं क्योंकि हाँ मैंने मिक्स कर लिए थे पहले, तो अब सर्व करते हैं। सबके लिए प्लेटें बन रही हैं, तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे कुछ कोई भी नहीं खाता, सुबह नाश्ता ही करता है बस, सुबह सब सिर्फ नाश्ता ही करते हैं डाइनिंग टेबल पे। रात का खाना हम लोग कमरों में बैठ के खाते हैं, वो भी मोबाइल चलाते चलाते अपना, और अम्मी टीवी देखते देखते खाती हैं। भाई लोग भी आ चुके हैं, तो आप ही बना रही हैं प्लेट। तो ये बनी है सबसे पहले मामा की प्लेट, हम सबसे पहले उन्हीं की निकालते हैं अम्मी की, फिर बाद में सबकी निकलती। और गाइस इस साइड पे चढ़ा हुआ है बिल्लियों का चिकन, और भाई लोग काम पे से आ गए थे जैसा कि, तो दूध भी बॉईल कर लिया है आप ही ने जल्दी से ही, तो अभी हम लोगों ने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है गाइस। भाई लोग आ गए थे तो भाई लोग ले आए थे मोम पल्ली हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं और अम्मी बैठ के खा रहे थे मोम पल्ली हैं। लेकी कैसे भागते हुए जा रहा है अब लेकी, ये देख सकते हैं आप लोग इस साइड पे खा रही हैं अम्मी मूँगफली। मैंने अम्मी को ना अलग करके दिए क्योंकि जो है ना इस लिफाफे में आई थी, अब पता नहीं भाई लाए कितने की थे, एक पाव 200 रुपए की, एक पाव। ये देखें गाइस ये एक पाव का लिफाफा है और 200 रुपए की थी इसमें, और ये रहे छिलके अम्मी और मैंने खाए और बड़ी सिस्टर ने भी खाए, और बाकी इतनी सी बची हैं ये मूँगफली हैं। उसी भी कब से देख रही थी कि ये लोग खा क्या रहे हैं, और चेरी दिखाती हूँ मैं, चेरी को देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं यहाँ पे सोती हूँ ऊपर, तो ये चेरी भी मेरे साथ ही सोती है आराम से, और अभी भी ये सो ही रही है चेरी। खाना तो आप ही ने जो है भाई लोगों को खाना दे दिया है, तो मैं अम्मी का भी लेके जाती हूँ और अपना भी लेके जाती हूँ साथ में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग पीछे बिरयानी हो गई है रेडी, तो अभी हम पेट पूजा करते हैं जल्दी जल्दी से, और सबको दे भी दिया है, बस हम दोनों रहते हैं, अब हमने अपने लिए निकाला है, हम एंड में बिल्कुल खाते हैं सबको खाना खिला के। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और जितने लोग भी देखते हैं हमें कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि उतने कमेंट होते हैं नहीं है जितने लोग हमें देखते हैं। बस हो गया, बोला इन्होंने मेरे कान में ज़ोर ज़ोर से बोला है गाइस।
तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नमाज भी पढ़नी है अभी, हाँ ईशा की नमाज पढ़नी है, पहले सब खाना वगैरह खा लें फिर नमाज।